स्वागत है आप सबका मैत्री ब्यूटिक में। आज हम सीखेंगे हाई लो बेल स्लीव्स विद मिडल कट। ये स्लीव्स कुर्ती ब्लाउज वगैरह के साथ काफी ट्रेंड में है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपका सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये मैंने यहाँ जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, ये देखिए, ये करीबन 32 इंच है इसकी लंबाई, यानी कि 1 मीटर से कम ही है। इसको मैं 2 फोल्ड कर लूंगी ऐसे, जो किनारी है उसको मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से बिछा लेंगे। ये मेरी लेंथ करीबन 32 इंच थी। अगर आपको फ्रिल ज्यादा रखनी है तो आप 1 मीटर 1.5 मीटर तक कपड़ा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम फ्रिल रख रही हूँ। ये फैब्रिक मैंने इस साइड से ओपन रखा है और दूसरी साइड से ये क्लोज है। चलिए पहले हम मेजरमेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बाजू की मेजरमेंट लूंगी, यानी कि ऊपर जो हमारी स्लीव रहेगी उसकी। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एल्बो पॉइंट। देखिए हम यहां तक मेजर करेंगे एल्बो पॉइंट। मेरा ये एल्बो पॉइंट 11 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच ऐड करके लूंगी, यानी कि ये हमारी होगी स्लीव्स की लेंथ। ये 1.5 इंच मेरा ऊपर से दबाई में चला जाएगा शोल्डर में और 1/2 इंच मेरा यहां से मुड़ जाएगा। अब हम एल्बो के पास से मुहरी लेंगे। मेरे यहां से यहां तक गोलाई 9 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच ऐड करूंगी, यानी कि 10 इंच मैं इसको 10 इंच लूंगी। यहां 12 इंच मेरा बाजू रेडी हो गई थी, लिया था मैंने बाजू का। इससे आगे हम फ्रिल लेंगे। मैं फ्रिल को 9 इंच रख रही हूं, यानी कि 21 इंच तक मेरा रेडी हो जाएगा। फ्रिल की लंबाई मेरी 9 इंच है, 21 इंच मेरी पूरी बाजू की लंबाई हो जाएगी फ्रिल को मिलाकर। ये हमारी 18.5 इंच तक रेडी हो जाएगी बिल्कुल मोड़ने के बाद। आप यहाँ फ्रिल को कितना भी रख सकती हैं, 9 से 10, 11, 12, 13 जितना भी आपकी चॉइस है उतना रख सकती हैं। तरीका सेम रहेगा, जैसे मैं कटिंग बताऊंगी बिल्कुल सेम कटिंग करनी है, कोई फर्क नहीं होगा। बाजू की कटिंग के लिए मैंने 2 फोल्ड किया था, इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए क्लोज साइड है, मैं यहां से उठाऊंगी और इसको ऐसे रख लूंगी। अब मेरे जो एल्बो पॉइंट था 11, उसमें मैंने 1 इंच करके 12 इंच लिया था तो मैं 12 इंच पर मार्क करूंगी। यहां 12 इंच पर हम मार्क करेंगे, सेम दूसरी साइड भी मार्क करेंगे 12 इंच पर, इनको मिला देंगे। अब मैं ऊपर से 3 इंच पर मार्क करूंगी। ये हमारा आर्म होल के लिए है 3 इंच। ये हमारे बाजू की जो ओपन साइड थी वो वाला था ये। अब मैं इसकी गोलाई कर दूंगी। अब आगे से हमें मोहरी लेनी है। मेरी मोहरी मैंने 10 इंच ली थी ऐड करने के बाद, लूजिंग का ऐड करने के बाद। इसमें मैं 1/2 इंच और ऐड करूंगी क्योंकि जो हमारा कट लगेगा बीच में उसमें हमारा कुछ फैब्रिक चला जाएगा। ये हमारा सिलाई का निशान है, इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग के लिए। 1.5 इंच 2 इंच जितना रखना चाहे रख सकती हैं। अब इस निशान को ऊपर मिला देंगे। अब यहां से कट करेंगे। अब मैं मोहरी पर जहां से हमें सिलाई लगानी है वहां पर कट लगा लूंगी, छोटा सा लगाएंगे बिल्कुल, जिससे हमारा सेंटर बना रहेगा। अब जो ऊपर हमारा शोल्डर पे है सेंटर, यहां पर मैं छोटा सा कट लगा लूंगी ऐसे। मेरी स्लीव की कटिंग हो गई है, अब मैं फ्रिल को कट करूंगी। ये 2 फोल्ड फैब्रिक जो मेरा बचा है इसको भी मैं 4 फोल्ड करूंगी। पहले ऐसे देखिए ध्यान से, 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम 8 फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये पॉइंट, ये क्लोज वाला पॉइंट है, बाकी साइड मेरी ओपन है ये वाले। इस क्लोज पॉइंट से हमें कट करना है। उसके लिए मैं स्लीव जो हमने मोहरी का निशान लगाया था, देखिए यहां कट लगाया था मैंने, यहां तक मैं इसको फोल्ड करूंगी और इस कॉर्नर के ऊपर रख लूंगी। जहां तक हमारा ये फिट होता है वहां तक हमें निशान लगाना है। बिल्कुल हल्का कर्व देना है, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा नहीं देना। देखिए बिल्कुल फिट आना चाहिए। अब यहां से हम कट कर लेंगे। साथ में मैं फ्रिल की लेंथ भी ले लेती हूँ, 9 इंच रखनी थी मुझे। देखिए मैं 9 इंच ले ली है, निशान लगाएंगे ऐसे ही। हम यहां निशान लगाएंगे 9 इंच पर, 9 इंच पर ही हमें निशान लगाना है। ये हमारा बिल्कुल राउंड शेप आएगा बाद में। अब जहां से मैंने निशान लगाया है इनके ऊपर से कट करेंगे।
ना कॉर्नर से भी कट करेंगे। करो ज्यादा मत दीजिएगा प्लीज, हल्का कर रखिएगा, नहीं तो आपको बाजू लगाने में परेशानी हो सकती है। अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे, ये हमारा बिल्कुल सर्कल निकल कर आएगा, देखिए टू सर्कल निकल कर आए हैं हमारे। देखिए हमारे जो बैल की जो लंबाई है हर तरफ से एक जैसी है इसमें। अगर आपको ऐसा रखना है तो आप ऐसे भी रख सकती हैं। अगर आपको हाई लो रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम एक बार फोल्ड कर लेंगे, दोनों स्लीव है हमारी इकट्ठी। हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैं डाउन लगाऊंगी करीबन 1.5 इंच का, यहां से 1.5 इंच पर मार्क करूंगी और हल्की हल्का कर्व दे देंगे यहां से। देखिए इससे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो डाउन होगा और जो बैक वाला साइड है वो हमारा उसकी लेंथ ज्यादा होगी। यहां से कट कर लेंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है, यहां हमें बीच में भी कट लगाना है तो यहां से कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा जो छोटा साइड है वहीं से कट करना है। देखिए ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा। अब हम स्लीव में भी कट लगा लेते हैं, स्लीव को बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर ले बिछा लेंगे। अब जो हमारी क्लोज साइड है यहां यहां बाजू के बिल्कुल बीचों बीच एक मार्क करेंगे। अब इसके 1/2 इंच में मार्क करेंगे यहां पर। अब इस मार्क को मिला देंगे दोनों ही साइड हल्की गोलाई लेते हुए। अब हमें इसको कट कर लेना है। ये हमारा स्लीव का कट है जो हमारे मिड में आता है, देखिए। ये हमारा मिडल में कट आएगा। मैं आपको बैल भी रख के दिखाती हूं, देखिए हमारी ऐसी आएंगी। ये कट हमारा फ्रंट में आएगा, ये हमारा फ्रिल में कट है, ये हमारा स्लीव में कट है। ये दोनों ही फ्रिल कट वाला साइड एक साथ अटैच होंगे, यानी कि ऊपर की साइड आएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार होगा। ये बहुत ट्रेंडिंग में है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमें स्लीव्स रेडी करनी है। स्टिचिंग में सबसे पहले जो हमने कट लगाए हैं स्लीव्स में, हम उनको मोड़ लेंगे अच्छे से। चलिए करते हैं स्टिचिंग शुरू। हमें इसको यहाँ से मोड़ना है तो सबसे आसान तरीका मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस कपड़े मोड़ने में काफी परेशानी आती है। इसको हम सिंगल फोल्ड करके ऐसे और सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह के फैब्रिक में हम ऐसे ही करते हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये, बहुत अच्छी हमारी फिनिशिंग आएगी। देखिए बिल्कुल अच्छा हमारा मोड़ दिया है मैंने अच्छे से, कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। ऐसे ही करके मैं मेरे जो 4 पार्ट्स थे सभी को ऐसे ही मोड़ लूंगी। अंदर के कट को मैंने अच्छे से मोड़ लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ऊपर यहां से और दूसरे पॉइंट से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, ताकि ये हमारे दोनों पॉइंट फिक्स हो जाएं और हम आराम से बाजू को बना सकें। इसके बाद हम बाजू की जो फिटिंग की सिलाई है उसको भी लगा लेंगे। दोनों ही कोनों पर देखिए स्टिचिंग कर दी है। अब मैं इसकी फिटिंग कर लूंगी। हमने जो मोहरे के लिए कट लगाया था अब उसके ऊपर से सिलाई लेंगे। स्लीव हमारी रेडी हो गई है। अब हम फ्रिल को रेडी करेंगे।
जैसे हमने स्लीव्स के कट में हमने मुड़ाई की थी, वैसे ही हमें फ्रिल की चारों ओर से मुड़ाई करनी है। यानी कि पहले हम सिंगल मोड़ेंगे, उसके बाद हम डबल करेंगे, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। हमने इसको चारों ओर से सिंगल फोल्ड कर लिया है, अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। हमारे स्लीव्स का बेल बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको स्लीव के साथ अटैच करेंगे। बेल को अटैच करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये कॉर्नर्स देखिए काफी अनइक्वल लग रहे हैं, कहीं से उठे हुए हैं, कहीं से बिल्कुल प्लेन है, तो इनको हम प्रेस की मदद से एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। मैंने प्रेस से इसको इक्वल कर लिया है। अब हम स्लीव को इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा बेल है उसको देखिए सीधा अपनी साइड रखेंगे, जो इसकी सीधी साइड है वो मेरे ओर है। इसके बाद हम जो हमारे स्लीव्स हैं उसको सीधा करेंगे। प्लीज ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल हमारी जो मोहरी वाली साइड है देखिए उसको, ये कट हमारा जो बेल का कट है उसके साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ से अटैच करने के लिए हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, देखिए ऐसे, देखिए दोनों सीधी साइड बाहर की ओर आएंगी, स्लीव की भी और बेल की भी, ये अंदर की तरफ है। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। आप चाहे तो यहाँ पहले पिन भी लगा सकती हैं, जिससे आपका सेंटर पे बना रहेगा। अब देखिए जो हमारी बाजू की बैक साइड थी स्टिचिंग वाली साइड, देखिए ये हमारे जो स्लीव है उसके पिछले वाले जो कट था, एक तरह से निशान लगाया हुआ था, उस पर आ गई। इसका मतलब हमारी स्लीव बिल्कुल ठीक तरह से लग जाएगी। अगर ऐसा नहीं आता है तो आपको परेशानी आ सकती है। अब देखिए इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। मैं यहाँ से स्टिच करना शुरू करती हूँ। देखिए मैं स्लीव को इसके ऊपर रखूंगी जो कट था इसको, ये देखिए। कई बार हो सकता है आपका एक साइड बड़ा रह जाए हल्का सा, तो आप हल्की चुन्नट डाल सकते हैं इसमें, अगर आप सेट नहीं कर पा रहे हैं तो। देखिए जो हमारा कट था वो बैक वाले जो हमने निशान लगाया था उस पर आ गया है, तो इसका मतलब ये हमारा एग्जैक्ट आएगा बिल्कुल। हमने यहाँ बेल को स्लीव के साथ देखिए अटैच कर लिया है। ये कट हमारा देखिए ऐसे आएगा, बेल का इस तरह से और स्लीव का इस तरह से। अगर आप चाहें तो इन स्लीव्स को ऐसे भी रख सकते हैं। अब मैं इनमें जहाँ हमारा कट है यहाँ पर एक डोरी बनाकर लगाऊंगी। इसके अलावा आप इस स्लीव में जहाँ से हमने सिलाई की है बेल में, यहाँ आप पाइपिंग भी डाल सकती हैं और कोई पट्टी भी डाल सकती हैं, उससे भी अच्छा लुक आता है। मैं इसको सिंपल रख रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी डिजाइन डाल सकती हैं। सेम फैब्रिक की ही मैं डोरी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने उरेब पट्टी निकालूंगी, यहाँ से करीबन 1 इंच चौड़ी निकालूंगी। सीधी पट्टी हम नहीं यूज करते हैं, मैं उरेब पट्टी यूज करती हूँ। देखिए आप डोरी बनाना भी सीख लीजिएगा। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें इसको निकालना है, तो उसके लिए निडल में मैंने 4 लेयर धागा पिरो लिया है। देखिए अब हम इसके ऊपर वाले साइड को उठाएंगे
और ऐसे सिलेंगे, एक बार और सिलेंगे। अब निडल की उल्टी साइड से निडल को इसके अंदर डाल देंगे, ऐसे मूव करते हुए दूसरे एंड तक चले जाएंगे। अब हम धागे को खींचेंगे तो साथ में हमारी डोरी भी बनती चली जाएगी। अगर आप इस तरीके से डोरी बना रहे हैं तो आपकी डोरी बिल्कुल कड़क बनेगी। देखिए मेरी बिल्कुल कड़क डोरी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इनके आगे छोटे छोटे टैसल्स लगा दूंगी, आप चाहे तो कोई और भी डिजाइन लगा सकते हैं। चारों एंड पर हम ऐसे लगा लेंगे, देखिए ओपन करके कितने सुंदर लग रहे हैं ये। टैसल्स हमने लगा लिए हैं। अब देखिए मैं इस डोरी का मिडल पॉइंट लूंगी, ऐसे यहां मिड पॉइंट, और जो हमारा ये कट था इसके ऊपर रखेंगे मिड पॉइंट को, और यहां से सीधे सिलाई कर देंगे। अब हम इनको, ये ज्वाइन हो गई है, अब इनको हम ऐसे बांध देंगे। देखिए कितनी सुंदर हमारी स्लीव रेडी हुई है। आप इसको चाहे ब्लाउज पर, कुर्ती पर, किसी भी डिजाइन ड्रेस पर ट्राई कर सकती हैं। ये काफी ट्रेंड में है और इतना ज्यादा सिंपल भी है बनाना, आसानी से बना लेंगे आप। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज उसे कमेंट कीजिएगा, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।